नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो चीजें, जो इंसान हमारे लिए पूजनीय होते हैं, जिसके लिए हमारे दिल में रिस्पेक्ट होता है, हम हमेशा अपनी जिंदगी में उसे ऊंची जगह देते हैं, ऊंचा स्थान देते हैं, है ना? जो भी चीज, जो इंसान, जो चीज वस्तुएं हमारे जीवन में बरकत लाती है, हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाती है, हमेशा उन्हें अपने जीवन में ऊंचा स्थान देना चाहिए। आप देखो, जो व्यक्ति आशीर्वाद देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, है ना? आशीर्वाद देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होगा, लेने वाले का सिर नीचे झुका हुआ होता है। यह प्रकृति का नियम है। जिसको आप दिल से चाहते हैं, जिसकी इज्जत करते हैं, जो भी देवी, देवता, ग्रह, नक्षत्र, चीज वस्तु आपके लिए पूजनीय है, जिनसे आपको मदद मिल रही है, जो आपके लिए फायदा कारक है, हमेशा उन्हें उच्च स्थान दे। इन चीजों को उच्च स्थान देने से आपके जीवन में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होगा हमेशा। दोस्तों, अपने कुल देवी, अपने इष्ट देवता, जो भी आप जिनके भी पूजा पाठ करते हैं, तमाम तस्वीरों को, मूर्तियों को अपने से ऊंचा स्थान दे, अपने बराबर में ना रख दे, ऊंचे स्थान पर उन्हें बिठाएं और फिर उनकी पूजा पाठ करें। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है, घर में शिष्टाचार आता है, व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होती है, संस्कारी बनता है। जब भी आप शुद्ध पवित्र चीजों को जमीन में बिठा देंगे, जो लोग आपके लिए पूजनीय हैं, उन्हें आप जमीन में बिठा देंगे, खुद ऊपर बैठने की कोशिश करेंगे, आपका जीवन नरकमय बन जाएगा। हमेशा जो देवी देवता में बता रही हूं, सभी को ऊंचा स्थान दें। घर में आप कौड़ी लेकर के आते हैं, शंख लेकर के आते हैं, गोमती चक्र लाते हैं, शालिग्राम लेकर के आते हैं, इन तमाम चीजों को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखें। पूजा पाठ में यूज की जाने वाली चीजों को भी दोस्तों जमीन पर ना रखें। शंख पूजा पाठ में रखे जाते हैं, छीपे रखी जाती हैं, अच्छे अच्छे स्टोन्स आप लेकर के आते हैं, आप उनको धारण करते हैं, उनको जब भी आप लेकर के आते हैं पूजा स्थान में रखें, विधिवत उनकी पूजा करें और उसके बाद आप उन्हें धारण करें। कभी दोस्तों अच्छे स्टोन्स को भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। यंत्र वगैरह जो आप लेकर के आते हैं, उन यंत्रों को भी जमीन में नहीं रखना चाहिए। कपड़े में लपेटें, ऊंचे स्थान में रखें। जमीन में इन तमाम चीजों को रखने से व्यक्ति पाप में पड़ता है। पूजा पाठ में यूज की जाने वाली अगरबत्ती, पूजा पाठ में यूज की जाने वाली कोई भी चीज जो आप पूजा स्थान में रखना चाहते हैं, उन तमाम चीजों को हमेशा उच्च स्थान दें। इनको जमीन में रखने से व्यक्ति को पाप लगता है, व्यक्ति पाप का भागी बनता है। जो पुष्प वगैरह आप भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे आपने सुबह अर्पित किए तो संध्या समय उन्हें जरूर उतार लें। जो भोग आप भगवान के आगे लगाते हैं, वो भोग भी आप कुछ देर भगवान के आगे रखें, उसके बाद वहां से हटा लें, उसमें भी आसुरी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं, जिससे आपको लाइफ में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पूजा स्थान यदि आपका गंदा रहेगा तो आपका मन दुखी रहेगा, मन आपका बेचैन रहेगा। घर का जो पूजा स्थान है, इसे हमेशा स्वच्छ रखें। घर का जो वायव्य कोना है,
इस कोने को भी दोस्तों हमेशा स्वच्छ रखें और यहाँ पर चांदी के बर्तन में पानी भर करके आप रखा करें। इससे आपके मन की स्थिति बहुत ही ज्यादा मजबूत बनती है, आप पॉजिटिव रहते हैं, तमाम कामों में आपको आसानी से सफलता हासिल होने लग जाती है। दोस्तों तुलसी का पौधा कई लोग बिल्कुल जमीन में लगा करके रखते हैं, कोशिश करें इस पौधे को भी हमेशा ऊंचे स्थान में रखें। इस पौधे को पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में रखें, दक्षिण दिशा में गलती से भी ना रखें वरना घर में तबाही आती है। शुद्ध और पवित्र जो भी पेड़ है, पौधे हैं, जैसे तुलसी मैया है, पीपल का पेड़ है, इनके आसपास कभी भी कोई गंदा कपड़ा ना टांगे, इनके आसपास कभी जूते चप्पल ना उतारे, कभी भी गंदगी ना करें। ऐसा करने से भी आप पाप के भागी बनते हैं। कभी बेडरूम में भगवान की तस्वीर ना लगाएं। भगवान की तस्वीर आप मुख्य कमरे में लगा सकते हैं और पूजा घर में रखें। बेडरूम में तस्वीरें इस टाइप की ना लगाएं, अन्यथा आप पाप में पड़ेंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों का अवश्य ध्यान रखें। जिंदगी से बहुत कुछ ऐसा जो गलत होने वाला है वो होने से मिट जाएगा। जय श्री कृष्ण।